take me home, take me on a ride. Artlist.io. About the colors lighting up your eyes. Assalamu alaikum. मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टोर में। आज तारीख है 30 दिसंबर 2022 और आज इधर सीज़न की जो रूटीन में बर्फ़बारी होती है वो पहली बर्फ़बारी है। पहले एक बार हल्की सी बर्फ़बारी हुई थी लेकिन वो मतलब एक घंटे के अंदर जब धूप निकली तो ख़त्म हो गई थी। तो आज ये आप अकब में देख रहे हैं, मतलब तीन चार इंच बर्फ़ पड़ी है आज, और ये मेरे ख्याल से तकरीबन महीना दो महीने तक रहेगी। ये पूरी जो वादी है ना सफ़ेद सफ़ेद हो गई है अब। Music licensing reimagined. जी तो ये जो जीबी में तकरीबन जो पुराने मकानात होते थे ना उनकी छतें होती थी नीचे शतीर वगैरह डाल के ना मिट्टी की, तो उसमें अगर ऊपर ज़्यादा बर्फ़ जमी रहे तो फिर छतें टपकती हैं या फिर छत के गिरने का भी खतरा होता है। इसलिए जो ही बर्फ़ पड़ती है छतों से वो बर्फ़ हटाई जाती है। उसके लिए एक बेलचा सा बनाया जाता है लकड़ी का और उससे वो बर्फ़ हटाते हैं। और वो जो लकड़ी का बनाते हैं उसमें एक तो ये जो आग जलाते हैं ना तो उससे एक धुआं सा निकलता है और वो किसी भी चीज़ में जम जाता है, ब्लैक कलर का होता है, उसको लगाते हैं ऊपर। और दूसरा जो चर्बी होती है जानवर की वो लगाते हैं ताकि जब आप बर्फ़ साफ़ करने लगो तो बर्फ़ उसके ऊपर चिपके ना। आप तब तक वीडियो देखो, मैं ये बर्फ साफ करता हूँ। Take me home, take me on a ride. Artlist.io. About the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are. Music licensing reimagined. Gotta hold on to it every moment. Dive into it like my. ये जो कमरा आपको नजर आ रहा है ये आपको दिख रहा है सारा लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। इसकी दीवारें भी और अंदर इसका जो फर्श है वो भी सारा लकड़ी का बना हुआ है। ये घर से थोड़ा हटा के या जो घर होता है उसकी छत के ऊपर बनाया जाता था। उसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो सर्दियों में चीज़ें खास तौर पे स्टोर की जाती हैं उसमें आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, आपका फिर नसालो हम बोलते हैं, जानवर को ज़बह करके ना गोश्त को खुशक किया जाता है, हंटिंग मीट, हंटर्स मीट या हंटिंग मीट जो कह सकते हो आप उसको। तो वो भी गोश्त उधर अंदर इसको लटकाया जाता था ताकि लकड़ी का बनाने का मकसद ये है कि इसमें ना दराज़ें होती हैं, हवा गुजरती रहती है, तो वो जो आपका गोश्त होता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा होती है कमरे में तो वो सही तरह खुशक हो जाती हैं और बाकी चीज़ों से जानवर वगैरह से महफूज भी रहती हैं। तो इसका बनाने का मकसद ये है, इसको हम बोलते हैं डंगों। ये एक पाइप है जो सर्दियों में आग सेकने के लिए अंदर बुखारी कहते हैं हम चूल्हा लगाया जाता है उसका पाइप है धुआं निकलने का। Baby,
Music licensing reimagined. वो लोग भी लगे हुए हैं उधर छत से बर्फ हटा रहे हैं और उधर भी दो लड़के लगे हुए हैं छत से बर्फ हटा रहे हैं और मेरे ख्याल से इधर भी आपको नजर आ रहा होगा ये भी बर्फ हटा रहे हैं छत से। Music licensing reimagined. Artlist.io. जब बर्फ पड़ती है तो सर्दी होती है और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर रोड की हालत ये बन जाती है, बिल्कुल शीशा बन गया रोड शीशा।